साथ शेयर करूँगी बिना गैस जला के मिठाई बनाने की रेसिपी। और जो ये मिठाई है बहुत ही जल्दी बन जाती है, 5 मिनट में एकदम बन जाती है और इसमें आपको गैस भी नहीं जलानी पड़ती और ना ही हमें इसमें खोए की ज़रूरत होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखिए मैंने कुछ सामान लिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये एक कटोरी मिल्क पाउडर है, ये कोकोनट का बुरादा है और थोड़ी सी पीसी हुई चीनी है। और यहाँ पे मैंने ये पिस्ता लिया है और थोड़ा सा दूध लिया है। और ये मैंने लिया है कार्डमम का एसेंस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ले लिया है एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे कोकोनट का बुरादा और साथ में डाल देंगे हम ये मिल्क पाउडर और उसके बाद हम ये डालेंगे ये जो पीसे हुए पिस्ता है ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद हम डालेंगे ये एसेंस। फिर हम डालेंगे इसमें पीसी हुई चीनी। तो चीनी जो पीसी हुई है ये आप अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, और मतलब जिसको मीठा ज्यादा पसंद है वो थोड़ा ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं और कम कर डालना चाहे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में थोड़ा सा मीठा होता है वो। तो ये मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद हम इन सबको पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मैं मिल्क डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मिल्क है, ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, ठंडा मिल्क हमें नहीं लेना बिल्कुल भी। और उसके बाद एकदम से हम इसको नहीं डालेंगे, हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे। तो ऐसे करके इसे हम मिक्स कर लेते हैं पहले। तो बस हम इसमें मिल्क बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये देखिए ऐसे करके इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके बाद हम एक फॉइल पेपर लेंगे और ये जो है इसको हम एक फॉइल पेपर पर रख देंगे और इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप जैसी शेप देना चाहते हैं आप वैसी दे सकते हैं। बस मैं इसे 2 से 3 मिनट फ्रिज में रखूंगी जिससे ये सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये सेट हो गई है तो इसे हम खोल लेते हैं। तो देखिए ये सेट तो हो गई है, अब इसको हम कट करते हैं। Thank you.
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बर्फी मैंने देखिए काट ली और कितनी आसानी से जो बर्फी है कट गई है। तो इसमें मैंने जैसे कि पिस्ता मिलाया है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट जो है, आपको मैं सारी बर्फियाँ दिखा देती हूँ, तो आप ड्राई फ्रूट कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और जो मैंने ये रेसिपी बनाई है ये स्पेशल मैंने कल रक्षाबंधन है उसके लिए बनाई है, मैं अपने ठाकुर जी को इसको भोग लगाऊंगी। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी की हेल्प से मैं बहुत ही जल्दी 1K में पहुंचने वाली हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।